मातरम स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेशन का एट्थ चैप्टर, विच इज़ पत्र लिखने का आनंद। पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्र यानी लेटर राइटिंग हमारे लाइफ का एक पार्ट है। पत्र के द्वारा हम संक्षेप में अपना पूरा समाचार लिखते हैं। संक्षेप यानी शॉर्ट में सारी न्यूज़ बताते हैं। इसके साथ हम अपनी आत्मीयता और सामाजिकता बढ़ाते हैं तथा जिसे पत्र लिखते हैं उसके साथ आत्मीयता जोड़ते हैं। अब आत्मीयता अर्थात आत्मीयता मतलब अपनापन। ओके, देन पत्र हमारे आवश्यक अंग है जो हमारे प्रतिदिन दिन प्रतिदिन के जीवन में सामाजिकता, अपनापन, हार्दिक लगाव आदि जोड़ते हैं। आइए आज हम पत्र लेखन की कला सीखें। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखिए। फर्स्ट चीज़ इज पत्र की शुरुआत दाई तरफ के कोने से अपना पता और दिनांक लिखिए। तो जब आप चालू कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से आपने अपना नाम लिखना है, सॉरी डेट लिखनी है, अपना पता लिखना है और आपका जो पिन कोड है वहाँ। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंधानुसार बाईं तरफ संबोधन लिखिए, जिसे आदरणीय गुरुजी, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, ऐसा। और जैसे हम चालू कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस, लिख दिया डेट, लिख दी टाइमलाइन, लिख दी जो भी है। फिर यहाँ से मैं लिखूँगी डियर फ्रेंड, या फिर किसी को लिख रहे हो तो सर, या फिर आप लिख रहे हो कि पापा को बोल रहे हो तो माय रिस्पेक्टेड फादर, इस तरीके से चीज़ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में लेटर आपने यहाँ से दो लाइन का गैप छोड़ के यहाँ से चालू करनी है। फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू लाइन्स लिख सकते हो। सो इसके बाद अभिवादन कीजिए, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श। जब फर्स्ट पैराग्राफ आप लेते हो तो उसमें हाय हेलो वगैरह ऐसी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। या फिर प्रणाम करूँ बड़े हुए तो, या फिर ऑफिशियल रिश्ते किसी से हुए तो नमस्कार वगैरह ऐसा। पहले परिच्छेद में कुशल समाचार और पत्र लिखने का औपचारिक बातें लिखिए, जैसे आप ठीक तो हो, वहाँ पे मौसम कैसा है या क्या है, इस तरीके की चीज़ें लिखनी। फिर उसके बाद में आपने पत्र क्यों लिखा है इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होती। तत्पश्चात दूसरे परिच्छेद यानी सेकेंड पैराग्राफ में आपके विषय की चर्चा कीजिए, यानी जिस बारे में आपको बात करनी है उस बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। पत्र के अंतिम परिच्छेद में परिवार के लोगों के प्रति शुभेच्छा दर्शाइए, यानी आपके भाई का ध्यान रखें, मम्मी का ख्याल रखें, या आपके घर में सब ठीक तो है ना, इस तरीके की चीज़ें आपने पूछनी है। पत्र के अंत में दाहिनी ओर यानी कौन सी साइड में, जिस साइड में आपने डेट वगैरह लिखी थी ना, उस साइड में नहीं, उसकी दूसरी साइड में। ओके, आपने अपना नाम या फिर आपका मित्र या फिर योर सिंसियरली, इस तरीके के सिंसियरली मतलब आज्ञाकारी, इस तरीके की चीज़ें हम लिखते हैं ना, वो चीज़ें हमें लिखनी है। पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन हम सभी को टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है, टीवी का अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, नृत्य, धारावाहिक आदि आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना समय बर्बाद करते हैं, ज़रा पता लगाइए। घर में अधिक सबसे अधिक समय टीवी कौन देखता है, मम्मी कौन सा धारावाहिक देखना पसंद करती हैं, घर के लोगों में समाचार संबंधी कार्यक्रम किसे पसंद है, क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे आपके परिवार के सभी सदस्य देखना पसंद करते हैं, आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है, आप रोज़ कितनी देर तक टीवी देखते हैं। मैं आपका पत्र लिखने का एक उदाहरण दे रही हूँ। ओके, ये इस तरीके से आपने चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आप स्वाध्याय है जो आपने कंप्लीट करनी है, जैसे पता और दिनांक आप कहाँ लिखेंगे, पता और दिनांक आप कौन सी साइड लिखोगे लेटर के, इस साइड में, यानी कौन सी साइड है, अगर आप ऐसे बैठे हो यानी आपकी लेफ्ट साइड में, ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड में आपने पत्र का दिनांक लिखना है। आपका विषय आप कहाँ लिखोगे, उसके नीचे। पत्र की भाषा किस तरह होनी चाहिए, सहज व सरल। टीवी देखने से क्या बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय अभिवादन कहाँ लिखेंगे, अभिवादन कहाँ लिखोगे आप, लास्ट में जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसके बाद। प्रमेश ने सुनील को समय पर सदुपयोग करने का कौन सा सुझाव दिया, यहाँ पे समय पर सदुपयोग का कौन सा सुझाव दिया, तो हमने ये यहाँ पे शब्दार्थ टिप्पणियों में यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे चल रहा है इन दोनों की बातचीत। ओके, फिर हम देखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी एक ही मीनिंग के, ठीक है, एक ही मीनिंग के। जैसे विद्यार्थी का हमें पता है कि शिक्षार्थी होता है, आनंद का खुशी होता है, समाचार का और क्या होता है, दैनिक जनजीवन की
इस तरीके की चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और जो उत्तीर्ण न हुआ हो, उसके बाद में हमें देख रहे थर्ड वाला, जिसमें निम्नलिखित समूह